हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगा करे करे तो लाइक भी करा करो डियर। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करा करो प्लीज़ डियर। थोड़ा जल्दी जल्दी सपोर्ट करो। आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट करो। ओके, तो आज हम लोग मैं जा रही हूँ अपने ट्रीटमेंट, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जोनसी डॉक्टर के पास। और उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे अभी, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह लेने जा रही हैं और उनको चेकअप करवाने के लिए मैं जा रही हूँ अभी। तो पीहू गई हुई है अभी ट्यूशन, और ट्यूशन से मैं उसको लूँगी पहले, उसके बाद उसको उसको नानी के पास छोड़ूंगी, फिर वहाँ से अपने पापा के साथ जाऊँगी। तो मैं अभी निकल रही हूँ, ठीक है? तो चलिए। तो फ्रेंड्स, पीयू को ले लिया था मैंने, और फिर उसके बाद पीयू को नानी के घर ही छोड़ दिया था, क्योंकि डैडी कह रहे थे कि इसका क्या काम, बच्चे को ले जाना ठीक नहीं है क्लिनिक में। तो फिर इसलिए पीयू को नहीं लेके गई थी साथ। तो अभी हम मैंने कैब कर ली है और डैडी बैठे हुए हैं आगे, और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ गाड़ी में और वेट कर रही हूँ कब आएगा कब आएगा। और रास्ते में इंजॉय कर रही हूँ, देख रही हूँ सब क्या क्या चीज़ें आती हैं रास्ते में, क्योंकि डियर यहाँ से ग्रेटर कैलाश काफ़ी दूर है, और जहाँ मुझे डॉक्टर मिलते हैं तो बस अकेले तो जा नहीं सकती। और चली तो जाऊँ, वैसे अब मैं इतना ठीक हूँ कि मैं अकेले जा सकती हूँ कैब में सेफली, पर रात को जो है ना लेट हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर मिलता है 8 बजे, हम लोग निकले हैं 7 बजे घर से, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, और उसके बाद फिर वहाँ से आने में 10-10:30 बज जाते हैं। तो इस वजह से डैडी ना अकेले नहीं भेजते मुझे। तो अभी बस रास्ते में ही हैं हम लोग। और ये जो ऊपर आपको पहाड़ सा दिख रहा है ना, ये डियर हमारे यहाँ कूड़ा होता है, दिल्ली में कूड़ा कचरा जो होता है ना सारा, वो यहाँ जमा होता है। तो ये पहाड़ नहीं है, कूड़ा है, क्योंकि दिल्ली में तो पहाड़ों का मतलब ही नहीं बनता कि दिल्ली में आपको पहाड़ मिल जाएंगे कहीं, तो ये इसको पहाड़ मत समझना। तो अभी हम पहुँच चुके हैं क्लिनिक। क्लिनिक जो है, डॉक्टर निशांत हैं, गैस्ट्रो डॉक्टर, और मैक्स हॉस्पिटल के हैं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब इन्होंने ही मुझे खड़ा किया है इतना, वरना पता नहीं क्या ही होता। और बस अब डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, हम लोग पहुंच गए और डॉक्टर नहीं पहुंचा था। और अभी हम लोग वापसी पे हैं, देखो कितना अंधेरा पड़ गया फ्रेंड्स, देखो 10 बजे हैं और इतना अंधेरा हो रहा है ना रास्ते में, क्योंकि वहाँ से हमें गाजियाबाद आना है राजेंद्र नगर, तो टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही। दिल्ली में होते तो थोड़ा आधे घंटे का फ़र्क आ जाता, अगर डाबरी में अपने घर के वहाँ होते तो। अभी हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ तो टाइम लगता है। तो तो फ्रेंड्स, अब हम घर आ चुकी हूँ मैं, और बस मम्मी के घर ही खाना खा लिया था मैंने, और पीयू तो खा ही चुकी थी वहाँ पर। तो अब मैं आपको बताती हूँ, प्रॉब्लम्स क्या है आप लोगों गाइस, को। मम्मा की ना प्लेट कम हो गई है। मम्मा को बोलो नारियल पानी पिए, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, और बकरी का दूध पिए। बोलो कमेंट में। प्लेट लिस्ट जो है 40,000 और रह गई है सिर्फ 40,000। गाइस प्लीज मम्मा के लिए प्रेयर करो गॉड से कि मम्मा जल्दी ठीक हो जाए। आप लोगों को मालूम है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जो HbA नहीं बन रहा था बॉडी में, तो वो अभी भी बहुत कम है, और फिर से प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुकी हैं। तो वही चेकअप कराने गए थे, तो डॉक्टर ने अभी दी है मेडिसिन चेंज करके दी है, थोड़ी बढ़ा के दी है, और फिर उसके बाद वन मंथ बाद बुलाया है और कहा है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ये सब तो चलता रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है, पर ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो बस आप लोगों के साथ और प्यार के साथ रह रही है। और मैं ये कह रही थी आपसे कि प्लीज़ डियर, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, अब मुझे आ रही है बहुत ज़ोर से नींद। बाय, गुड नाइट।